प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं। वहीं प्रदेश की कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को उच्च शिक्षा विभाग ने जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग ने सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में 16 अप्रैल से 31 मई तक गर्मियों की छुट्टियां कर दी है। दरअसल परीक्षाओं को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने तय समय पर रिपोर्ट दी, जिस पर उच्च शिक्षा विभाग ने महामारी के चलते परीक्षाओं का जल्द आयोजन संभव नहीं होने का फैसला लिया। इसी के साथ 16 अप्रैल से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश का फैसला लिया है और उसके बाद परीक्षाएं करवाने का भी फैसला लिया गया है। साथ ही प्रायोगिक परीक्षाएं भी मुख्य परीक्षा के साथ या उसके तुरंत बाद करवाने का फैसला लिया गया है। हमारे प्रदेश के विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान नहीं हो, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार चिंतित भी रहते हैं और इस दिशा में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा हमारी परीक्षाओं को लेकर और हमारे आगामी शैक्षणिक सत्र को लेकर कुछ आज निर्णय किए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 16 अप्रैल से लेकर 31 मई तक ग्रीष्म अवकाश करने की का निर्णय लिया गया है और जो हमारी शेष रही हुई परीक्षाएं हैं उनको आयोजित करने के लिए जून के प्रथम सप्ताह से हमारे यूजी और पीजी के फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं आयोजित, स्थितियां सामान्य रहने पर परीक्षाएं आयोजित करने का निश्चय किया गया है और हमारे यूजी के प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष तथा पीजी के प्रीवियस के विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी जो फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित होने के बाद क्रमबद्ध रूप से करने का हमने निश्चय किया है।